हेलो एवरीवन वेलकम टू एम एस स्टडी गुरु आप सबके लिए गुड न्यूज है मैं इकोनोमेट्रिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए सो so, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप में अपने पॉलिंग करवाई थी जिसमें मैंने आपको पूछा था कि अगला कौन सा यूनिट यूट्यूब पर स्टार्ट किया जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने सारा कंप्लीट करवाया है अभी अभी सो so, uh, मुझे सबसे ज्यादा जो uh, पॉल में रिक्वेस्ट है वो स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स वाले कोर्स को लेके आई सो so, करंटली मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करवा रही हूँ आज उसका फर्स्ट क्लास class है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और इस कोर्स में हम वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो आपको 2023 वाले एग्जाम में पूछे गए साथ साथ में उनको लेके भी चलेंगे ठीक है अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स बताई गई हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है कंप्लीट कोर्स मेरा सारे यूनिट्स का अगर आप सेट की टेट की नेट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा अन अकेडमी पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है मेरी प्रोफाइल का मेरा कोड भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में आपको और मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो मैं सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ इन क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए जब हम ये टॉपिक समझ लेंगे उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आएंगे ये क्वेश्चन ट्वेंटी हुआ था आपका इकोनॉमिक्स का उसमें पूछे गए थे इनमें से कौन सी एजम्शन है जो क्लासिकल लिनियर रिग्रेशन मॉडल को सेटिस्फाई करती है मतलब आपको एजम्पन से क्वेश्चन आते हैं ये स्लॉट वन में था और ये स्लॉट टू में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी क्लासिकल क्लासिकलियर रिग्रेशन मॉडल की है ठीक है सो so, हम ये सारा पहले समझते हैं तो देखिए सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या यू कैन से क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वही चीज है सो so, जो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो कुछ इस ढंग से बनता है ये यह यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना हुआ है एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कोरेक्ट करिएगा प्लीज हेयर इट इज एल्फा ठीक है एक मिनट हेयर इट इज एल्फा ठीक है सो बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक टेक्निक है इकोनॉमिक वेरिएबल्स में रिलेशनशिप मेयर करने की यू कैन से इन अदर वर्ड्स ये जो एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है इसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वी आर स्पोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हमको फाइंड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है सो एक एक्जाम्पल से इस मॉडल को हम समझेंगे सिंपल एग्जाम्पल मैं डिमांड एंड प्राइस की लेके ही चलूंगी जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ईजी है अंडरस्टैंड करना ये आपका जो मॉडल बना है इसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम इंडिग्नस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं या इसको रिग्रेसेंट भी बोलते हैं r से एक मिनट पेन ब्लैक ही कर लेती हूँ यू कैन से रिग्रेसेंट ठीक है ये जो अल्फा होता है दिस इज इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट टर्म है कांस्टेंट रहता है ये ये बीटा जो है ये स्लोप टर्म होती है ये भी कांस्टेंट है एक्स आपका वेरिएबल इसके नाम जरूर देख लो नाम पता होने चाहिए दिस योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसको बोलते हैं एक्सीजनस वेरिएबल भी बोलते हैं एक्सप्लानीटरी वेरिएबल भी बोलते हैं एक्सप्लानीटरी वेरिएबल भी बोलते हैं एंड इसे रिग्रेसर भी बोल सकते हो रिग्रेसर भी ठीक है और ये जो आपका म्यू आई है इसको हम डिस्टर्बेंस टर्म या एरर टर्म बोल सकते हो या इसको आप रेसिडुअल के नाम से भी जान सकते हो रेसिडुअल तो इसके बारे में आप अभी समझते हैं सो लेट सी मान लीजिए अब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो डिमांड है वो प्राइस का फंक्शन है यानी कि जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंड करती है इसका मॉडल बनाएंगे अगर मैं अगर मैं इसका मॉडल बनाऊंगी इट विल बी लाइक दैट इसमें वाई जो है ये आपका क्या है क्वांटिटी डिमांडेड एक्स जो है ये आपका क्या है प्राइस है ठीक है तो बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड इन दिस मॉडल इज अ डिपेंडेंट फैक्टर एंड प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है और ये जो म्यू है बेसिकली इसका मतलब होता है एर मान लीजिए अब की जो डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं जैसे हम लॉन्ग डिमांड पढ़ते हैं जो डिमांड में चेंजेस आते हैं वो प्राइजेस के अलावा कुछ और फैक्टर्स के कारण भी आते हैं बट वी ऑल एज्यूम दीज फैक्टर्स कॉन्स्टेंट सेटीद पैराबस की जम्पन लेके चलते हैं कि जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि इनकम टेस्ट हैबिट्स उनको हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं और सिर्फ यहाँ पे प्राइज एज ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मैं कंसिडर कर रही हूँ तो वो जो सभी ऑल फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट लेके चल रही हूँ ना वो कहीं ना कहीं मेरे एरर का कारण बनते हैं। ये एरर का कारण बनते हैं। वैसे एरर की स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ठीक है जो मेरी ट्रू वैल्यू है और जो जो ऑब्जर्व की है वो वैल्यू उसमें डिफरेंस जो है वो आपका एर है ठीक है सो अब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पर के अलावा कुछ और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है है कुछ और फैक्टर्स फैक्टर्स भी प्रभावित होती है, बट उन सभी को मैं कॉन्स्टेंट लेके चल रही हूँ तो वही जिन फैक्टर्स को मैं कॉन्स्टेंट लेके चल रही हूँ असल में एरर उन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ठीक है सो ये एक आपका सिंपल इनियर रिग्रेशन मॉडल इस तरह से बनता है अब हम इसकी की तरफ चलते हैं सो देखिए सबसे पहले इसका जम्पन ये समझिए एरर टर्म्स आर रेंडम एरर टर्म्स आर रेंडम ये आपने बहुत नॉर्मली सुनी होगी बहुत बार ये जम्प्शन शायद कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी अपने मास्टर्स या बैचलर्स की क्लासेस में दैट एरर टर्म्स आर रेंडम इसका बेसिकली मतलब है कि जो एरर टर्म की वैल्यू है डेट डिपेंड्स अपॉन चांस चांस पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है अब आपका जो ये एरा टर्म है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो होता है टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन ऑफ टर्म एर टर्म के एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन ऑफ टर्म सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरा टर्म इज जीरो का मतलब है कि जो एरा टर्म का मीन होता है दैट इज जीरो इसी तरह टर्म के स्केर की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है वेरियंस एरा टर्म के स्केर की एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैं कर दूं तो दिस इज अ दिस इज वेरिएंस ऑफ एरेटम और एरेटर्म का जो वेरियंस होता है इट इज एप्सोल्यूटली कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वेरियंस होता है एरेटर्म का ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए अगर मेरा एरेटर्म का वेरियंस कॉन्स्टेंट ना हो तो एक में प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं हेक्ट्रोसडास्टिसिटी की प्रॉब्लम ठीक है देखिए अगर ये वेरियंस कुछ इस तरह से लिखा होता यू आई स्केयर सिगमा स्केयर यू के साथ आई होता तो इस आई का मतलब ये होना था कि मेरी वेरिएंस की वैल्यू चेंज हो रही है आई का मतलब वन टू थ्री फोर वो चेंज हो रही है तो अगर वेरिएंस की वैल्यू कांस्टेंट ना होकर चेंज होती जाए तो द प्रॉब्लम विल बी हैट्रोसडास्टि वो प्रॉब्लम आ जाएगी वो वायलेशन है सिंपल इनरिग्रेशन मॉडल के जम्पन को ठीक है बट द दम्पशन इज की आपका एरर टर्म का वेरियंस कॉन्स्टेंट है यानी कि देर इज होमोसडास्टिसिटी हियर

क्वांटिटी सोल्ड ईच डे एट सेम प्राइस ध्यान से समझिएगा अभी मैंने मॉडल ये करवाया था आपको एक्स की वैल्यू फिक्स का क्या मतलब है प्राइस फिक्स है प्राइस फिक्स है फिक्स प्राइस पे मैं डिमांड कंसीडर कर रही हूँ अलग अलग दिन की पहले दिन इस प्राइस पे कितनी डिमांड है दूसरे दिन इस प्राइस पे कितनी डिमांड है कहने का मतलब कि मैं वाई की अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करना चाह रही हूँ एट द सेम वैल्यू ऑफ एक्स एट द सेम प्राइस आई एम सपोज टू फाइंड क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट डेज है ना ये फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स तो वो चीज मतलब एक्स यहाँ पे दैट्स वाई एज्यूम टू बी फिक्सड समझ के बाद अब जो x है जो टर्म है दैट बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई चीज अगर बिलोंग करती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका मीन जीरो है और वेरियंस कॉन्स्टेंट है दैट इज सिग्मा स्क्वायर यू सो अब ये हमने पढ़ ही लिया कि जो टर्म है उसका मीन जीरो है और वेरियंस कॉन्स्टेंट है दैट इज सिग्मा स्क्वायर ठीक है so, सो आगे चलते हैं एरर्स आर नॉन ऑटो कोरिलेटेड एर नॉन ऑटो कोरिलेटेड का मतलब है कि एर टर्म की डिफरेंट वैल्यूज में कोई रिलेशनशिप नहीं है यानी कि एर टर्म एट पीरियड वन इज नॉट रिलेटेड विद एर टर्म एस पीरियड टू ठीक है देर इज अब्लम ऑफ ऑटोकोरिलेशन बट अगर ओटोकोरिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है दिस इज अ वॉयेशन ऑफ द एजम्पन ऑफ द सिंपल इनियर इग्रेशन मॉडल ऑटोकोरिलेशन दूसरी प्रॉब्लम हमारी सिंपल इनियर इग्रेशन मॉडल की दूसरी प्रॉब्लम हमारी इकोनोमेट्रिक्स की पहली प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे हेट्रोसडासिटी बताई थी दूसरी प्रॉब्लम यहां पे आएगी ऑटो कोरिलेशन अगर ये जम्पन वायलेट हो जाएगी ठीक है अगला है यहां पे यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सप्लानीटरी वेरिएबल इसका मतलब ये है कि आपका एक्स एंड यू यानी कि एक्सप्लानीटरी वेरिएबल एंड यू इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है अगर ये रिलेशनशिप आ जाए ना इससे आएंगी आपकी साइमल्टनस इक्वेशन मॉडल सुना होगा कभी आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं अगर ये जम्प्शन वॉयलेट हो जाए ना तो फिर जो हमारा साइमल्टेनस इक्वेशन मॉडल बनता है ना वो इस जम्शन के वॉयलेन के कारण ही बनता है उसमें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म में रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इनमें रिलेशनशिप नहीं है एरर टर्म एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में रिलेशनशिप नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट है अगर मैं इनको नॉट इक्वल टू जीरो कर दूंगी दैट मीन्स रिलेशनशिप इनमें होगा ठीक है फिर एक्सर अनकोरिलेटेड एक्स आर अनकोरिलेटेड यानी कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो आपस में कोरिलेट नहीं करते बेसिकली ये वहीं पे लागू होगी अगर आपके पास सिंपल लीनियर नहीं मल्टीपल लीनियर इग्रेशन मॉडल हो वट इज मल्टीपल लीनियर इग्रेशन मॉडल इस तरह से अगर मैं इसको लिखूं अल्फा प्लस बीटा एक्स वन प्लस बीटा नोट बीटा वन एक्स टू प्लस म्यू ये आपका एक मल्टीपल इग्रेशन मॉडल बन गया क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक से ज़्यादा है ठीक है लेट्स कंसीडर अगर मेरे पास वाई जो है वाई जो है वो मेरी डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स वन जो है ये मेरी इनकम है एक्स टू जो है ये मेरी वेल्थ है मान लीजिए ठीक है तो अगर इन दोनों में रिलेशनशिप आ जाए इन दोनों में रिलेशनशिप इनकम एंड वेल्थ में रिलेशनशिप आ जाए होता है इनकम एंड वेल्थ में रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल बात है अगर आपकी इनकम ज्यादा तो आपकी वेल्थ भी ज्यादा होगी है ना तो एक्सप्लानीटरी वेरिएबल्स में रिलेशनशिप आना देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलोनरिटी तीसरी प्रॉब्लम है कॉनोमेट्रिक्स की मल्टी कॉलोनरिटी ये अगर प्रॉब्लम आ जाए तो दिस इज ए वॉयलेन ऑफ द दिम्पल ऑफ सिंपल ऑफ मल्टीपल इनरिग्रेशन मॉडल ठीक है बट ये नहीं आनी चाहिए की में ये नहीं होनी चाहिए एक्स वन एंड एक्स टू में को रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अगर रिलेशनशिप आ जाता है तो देर इज ए थर्ड प्रॉब्लम मल्टी कोलोनियोरिटी बेसिक समझ गए इकोनोमेट्रिक्स के इस मॉडल का अब इसके बाद आपका जो अगला लेक्चर होगा वो प्योरली इस पर होगा हेट्रोसडाटी मल्टी एंड ऑटो कोरिलेशन ये तीनों के मतलब विद एग्जाम्पल मतलब वैसे मैंने आपको बेसिक मतलब इन तीनों के अभी समझा दिए हैं इनकी टेस्ट जो होते हैं इनको डिटेक्ट करने के इनके कॉन्सिक्वेंसिस जो होते हैं वो हम सब करेंगे एंड आई एम डेड श्योर कि अगर आप इकोनोमेट्रिक्स का ये वाला कोर्स कर लेते हैं अपने यूजीसी इकोनॉमिक्स या सेट इकोनॉमिक्स या फिर टेट इकोनॉमिक्स नेट इकोनॉमिक्स है ना जितने भी सेट टेट के टीचिंग लेवल के एग्जाम्स होते हैं इकोनॉमिक्स के उन सब के लिए इतना इकोनोमेट्रिक्स अगर आप कर लेते हैं तो अगर पांच क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स के आएंगे तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर की पांच में से चार तो कम से कम आप बिल्कुल सही करके आओगे ठीक है वैसे तो पांच ही सही करोगे बट अगर कई बार होता है ना लर्नर्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वो भी नहीं कर पाते है ना तो कम से कम चार तो ठीक करके आओगे आओ